नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड अब तक अपने नाम कई कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, चाहे बात समय पर परीक्षा के आयोजन की हो या परीक्षा परिणाम जारी करने की। बिहार बोर्ड ने अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज किया है। एक वक्त था जब बिहार बोर्ड का परीक्षा का आयोजन करवाने के मामले में बोर्ड पूरी तरीके से बदनाम था, क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में छप्पड़ फाड़, चोरी और मुन्ना भाइयों को पकड़ा जाता था, जिस पर अब काफी हद तक तो लगाम लग चुका है। लेकिन अभी भी कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसमें मुन्ना भाइयों के पकड़े जाने की खबरें आती रहती हैं, यानी कि अभी भी बोर्ड के परीक्षा आयोजन में सुधार की जरूरत महसूस की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब बिहार बोर्ड ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे परीक्षा के दौरान फर्जी मुन्ना भाई की एंट्री लगभग खत्म हो जाएगी। इसके लिए ही बिहार बोर्ड ने फैसला किया है कि सभी हाई स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगाने का काम होगा, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिससे ही फर्जी फोटो डालकर परीक्षा देने वालों को तुरंत ही पकड़ने का काम होगा। इसकी जानकारी खुद बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि बिहार बोर्ड की तरफ से ली जा रही इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में बड़ी संख्या में मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं। हमारी यही कोशिश है कि पूरी प्रणाली को इतना मजबूत कर दिया जाए कि फर्जी छात्र किसी भी तरह से परीक्षा में शामिल हो ही ना पाए। योजना के अनुसार अब जल्द ही बिहार के सभी हाई स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगाने का काम होगा, जिसमें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों के फिंगरप्रिंट लेने का काम होगा। इस तरह से लगभग 60 लाख छात्र के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड बोर्ड के पास उपलब्ध होंगे। बोर्ड की माने तो 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान और मैट्रिक और 12वीं में परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान ये फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सत्र से लागू किया जाएगा, जिसमें फर्जी फोटो लगाकर परीक्षा देने वालों की पहचान आसानी से हो सके। इसके साथ ही बिहार बोर्ड जल्द ही एक और बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत ही बोर्ड अब छात्रों का आधार वेरिफिकेशन करने वाला है। इससे प्रमाण पत्र में त्रुटि होने पर आसानी से सुधार करने का काम किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार बोर्ड परीक्षा का आयोजन करवाने में बीते कुछ सालों से रिकॉर्ड बना रहा है। हर दिन के साथ ही बिहार बोर्ड अपने नाम नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कोरोना काल में जब सभी बोर्ड ने परीक्षा के आयोजन के समय में अपना हाथ उठा लिया था, उस दौर में भी बिहार बोर्ड ही पहला ऐसा बोर्ड उभर कर सामने आया जो परीक्षा का सफल आयोजन करवाने में सफल रहा। हालांकि अब बिहार बोर्ड की यही कोशिश है कि परीक्षा का आयोजन तो समय पर हो ही रहा है, साथ ही जो भी गड़बड़ियां आ रही है उसमें भी सुधार हो। उम्मीद है कि बिहार बोर्ड की तरफ से उठाए जा रहे इस कदम से मुन्ना भाइयों को पकड़ना आसान होगा, साथ ही परीक्षा को कदाचार मुक्त करवाने में काफी सहायता मिलेगी। आपके अनुसार बिहार बोर्ड के इस कदम से परीक्षा के आयोजन में कोई सफल परिणाम निकल करके सामने आएगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।